मान साहब आजकल अपने बाल नहीं कटवा रहे, कह रहे मैंने बाल बड़े रखने हैं। वो कबीर सिंह नहीं जैसे दाढ़ी, इसमें तो आते टाइम अमन को भी एच एम स्कूल ऊपर कॉलेज स्कूल है कॉलेज है। जोरी सिटी में कितनी पुलिस है, कितनी आर्मी है, क्योंकि मन जाना थे आराम से बातचीत कर लेना, जो भी हुआ हेलमेट का चलान कटवा लेना। आजकल क्या करते हैं, फोटो लेते हैं और सीधा इन्हें घर पहुंचने से पहले चलान आजकल आया। जल सैन सब क्या हाल है आपके? लेकिन साबर भैया किस लड़की को आपने यहाँ रखा मेरे साथ? ये देखो अमन कहते पेंट तो ताज़ा लग रहा है हमारे। इसका काम अभी कंप्लीट हुआ और बैठा देखने कैसे ही क्या कर रहा है। जबरदस्ती एक प्लान है। ये सारे शिकारी वहाँ बैठे। तो भाई ये चूल्हा यहाँ पर लग चुका है, आखिरी पे प्लान है बनाया हुआ। ठीक हो, हैप्पी बर्थडे। चिकन बना भी नहीं और प्लेट लेके सब खड़े हो गए। लगी पैर को उन्होंने गाड़ी से बाहर क्यों निकाला भाई? इसको ऊपर उठा तेरे को मैं पैसे दूंगा। और मैंने उठा, जो कभी आएगा ना इधर तो उठा के खुद चेक कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं लगता कि इतना वेट नहीं है, है ना? ये कौन सा डिजाइन है भाई? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठीक होंगे। तो भाई आज का ऐसा सीन है, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मेरे को एक फॉर्म सबमिट करवाना था और अमन हांडा जो है हमारा उसको भी वहाँ पे मेरे कॉलेज में काम था, इसने थी अपनी दीदी की मार्कशीट, तो ये मेरे से जाए। तो हांडा साहब क्या हाल है आपके? ठीक हो? और क्या स्मार्ट लग रहे हो यार, हांड साहब का हेयर स्टाइल देख रहे हो? हांड साहब आजकल अपने बाल नहीं कटवा रहे, कह रहे मैंने बाल बड़े रखने हैं। वो कबीर सिंह नहीं जैसे दाढ़ी तो आ रही नहीं, इसको कह रहे सिर्फ बाल रखने हैं मैंने। तो अभी चलते हैं अभी फिलहाल कॉलेज चलते हैं, आपको बताता हूँ आगे। यहाँ से बस स्टैंड तक मैं अपनी स्कूटी ले जाऊँगा, आते टाइम मुझे थोड़ा काम है, वहाँ से इसके कॉलेज चल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से इसने निकल जाना है, इसको भी थोड़ा काम है। फिलहाल मैं कितने तेज तेज बोल रहा हूँ, चलते हैं। ठीक है हांड साहब चले। तो भाई अभी निकाल रहे हो अपनी स्कूटी पर, आते आके ना यार कार भी वॉश करवाने, काफ़ी टाइम से करवाई नहीं, हमेशा मैं ही वॉश करवाता हूँ, आपने देखा ही होगा, बाकी तो टाइम मिलता नहीं उनको, तो मैं ही होता हूँ ना, मतलब बाकी फ्री करते इसको आते टाइम वॉश करवा देंगे, बहुत गंदी हुई। फिलहाल चलते हैं चलो। सो गाइस अभी फिलहाल हमने अपनी स्कूटी यहाँ लगा दी है, अभी हम चलते हैं इसमें। तो आते टाइम अमन को भी एच एम स्कूल ऊपर कॉलेज स्कूल है कॉलेज है दोनों है, स्कूल भी है कॉलेज भी है। आते टाइम अमन को इधर भी काम है तो इधर भी चल लेंगे आते टाइम, तभी हमने यहाँ लगा दिया। फिलहाल हम चलते हैं अपने पीजी कॉलेज। गाइस अभी मैं और अमन चल रहे हैं सीधा कॉलेज की तरफ, और आजकल जोरी सिटी में इतनी पुलिस है, इतनी आर्मी है, क्योंकि माहौल ही वैसा चल रहा है ना, तो हर जगह ऐसे अलग अलग नाके लगे होते हैं चेकिंग के लिए। अमन बेचारा सोचते हैं ट्रैफिक वाले हैं, चलान करते कि मेरा पीछे रुक जाता है। मैंने कहा अमन जाना थे आराम से बातचीत कर लेना, जो भी हुआ हेलमेट का चलान कटवा लेना, नहीं कटवाएगा तो क्या होगा, ऑनलाइन आ जाएगा घर पे। आजकल ये चीज़ है, आजकल क्या करते हैं फोटो लेते हैं और सीधा घर पे, बाद में जब पहुंच जाओगे ना घर उसके बाद सीधा चलान पहुंच जाएगा वहाँ। नहीं नहीं घर पहुंचने से पहले चलान आजकल आया इधर से इधर से एक साल, और साथ में फिर वहाँ पर अप्रोच का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप जब घर पे आपको चलान आ जाएगा। मैंने कहा टेंशन ना ले यार, आना होगा आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं मज़े से, शुक्र आज धूप है, कल धूप नहीं थी और इतना ठंडा मौसम था ना, ठंड लग रही थी, आज इतनी ठंड नहीं लग रही धूप के कारण। तो भाई अभी आए थे हम कॉलेज, हमें मिल चुके हैं सानी साहब। सानी साहब क्या हाल है आपके? बस ठीक। आप पहले कॉलेज का ठेका लेके रखा हुआ आपने? सब रुपये ठीक हो? ये कॉलेज में पूरे दिन होता ना छुट्टियाँ? अभी छुट्टियाँ पड़ रही हैं, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और ये तब भी घर को नहीं बैठा भैया। लड़की का चक्कर है बाबू भैया, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। साहब रुपया भी बोल के आज। तो भाई ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट। लेकिन साहब रुपया किस लड़की को आपने यहाँ रखा मेरे साथ? हाँ? मेरे फॉर्म में किस लड़की का फोटो? अच्छा अच्छा वो नीचे था, मुझे लगा अटैच्ड है ये। आपको ना पूरा कॉलेज खाली मिलेगा, पूरा कॉलेज का, कॉलेज के बाहर भी पूरा खाली मिलेगा। देखो यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, कॉलेज के अंदर भी कोई नहीं है, लेकिन पूरे कॉलेज में कौन हमें मिला? और सानी इससे मेरी बात हुई नहीं, दो दिन से मेरी इससे बात नहीं हुई, मैं इसको नहीं पूछा था, मैंने कोई काम था ऐसे, लेकिन इसे फोन नहीं उठाया, फोन ही टूट के बेचारे का। तो यही था यहाँ पर, मतलब देखा आज तो प्रूव हो चुका है ना, तू कॉलेज में घूमता ही रहता है हाँ जो भी है। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर, अमन अमन का जो है, अमन ने अपनी दीदी की मार्कशीट लेनी थी तो वो मार्कशीट लेने चलते हैं। यहाँ अंदर होगी कैंटीन के, ये कैंटीन है, कैंटीन के पीछे वाला दरवाज़ा जो है। यार अभी हम वेट कर रहे हैं जिन भैया से हमने बोनोफाइड लेना है, वो यहाँ नहीं, कैंटीन से हमने बंद है, वो आएंगे तो वो देंगे। फिलहाल मैं और अमन बैठे थे, अमन ने एक चीज़ बताई, हम यहाँ पर बैठे और अमन अमन ने ऐसे हाथ रखा ना, ये देखो अमन कहते पेंट ताज़ा लग रहा है अब हमारे, हमारी पेंट में निशान लग गए होंगे वाइट वाइट अब तो। सानी ने कॉलेज आके बांदरों का काम शुरू कर दिए, और जो काम जिस काम से हम आए थे ना, मेरा काम हुआ, मेरा काम तो वो कह रहे हैं चलो कभी भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़े दिन में छुट्टियां खुल जाएंगी, निकल गए छुट्टियां खुल जाएंगी तो हम तब भी करवा सकते हैं, लेकिन अमन अमन का नहीं हुआ देखना। और इतनी देर से कॉलेज आए वो लगभग दो घंटे होने वाले हैं, मेरा काम तो 5 मिनट में हो गया था, आधा काम था सानी का, सॉरी
आधा काम तो सानी का, इसका काम अभी कंप्लीट हुआ और बैठा देखने कैसे ही क्या कर रहा है। और अमन का जो काम रहता था, अमन गया भी अंदर करवाने, अब उसका होता तो फिर निकलते हैं हम यहाँ पर, खज्जल कर दिए इन्होंने। कॉलेज से हमारे काम तो हो चुके हैं, अब चलते हैं हम। मैंने जाना सिटी, तो अमन जाएगा घर। बहुत खज्जल करवाया है इन्होंने आज। मेरा काम तो 5 मिनट का होता है, इनके 2-2, 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। अभी फिलहाल चलते हैं हम। ओके बाय बाय टाटा। अमन चला गया वहाँ से घर, मैंने वहाँ से सिटी थोड़ा काम था वो करके अब मैं भी चलूँ अपने घर की तरफ। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा अभी तक, अब चलते हैं घर, आगे का काम देखते हैं क्या मिलता है। सो गाइस आए थे हम घर और अब जा रहे हैं बाहर। अभी जा रहा हूँ मैं दसल, और दसल मैंने ज़बरदस्ती एक प्लान बनाया, मतलब उनका तो प्लान बना हुआ था जिनके पास जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए ज़बरदस्ती बनाया यार कि हमारा गेट बंद हो जाता है बाहर से, तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये खुलवाते हैं, आगे चलते हैं तो आपको बताते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, अपनी नहीं है इनकी यार, इन्होंने प्लान बनाया था। बाकी सामने आपको देख सकते हो ये सारे शिकारी वहाँ बैठे। मैं था घर पे, मैंने कहा यार कोई प्लान नहीं है, मैंने अर्जुन को फोन किया मैं कहाँ पर आ रही, मैंने कहा मैं दस्सल हूँ, मैंने कहा कौन कौन है, फिर इसने बताया तो मैंने कहा हम भी आते हैं। अभी हम आ चुके हैं और देखते हैं क्या प्लान है यहाँ पे। ये हमारे अर्जुन, अर्जुन भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया ठीक हो? तो भाई ये चूल्हा यहाँ पर लग चुका है, आज फिर कोई प्लान इन्होंने बनाया, आज रोज का धंधा है। वाह, इसके पीछे मैं आया हूँ यहाँ पर, फिर साथ में कंटेंट नहीं था तो चलो, लेकिन इस बंदे ने मेरे फ़ोन नहीं उठाए थे, इसको मैंने बहुत फ़ोन किया। तो यहाँ पर हमारे क्रिश भाई, क्रिश भाई क्या हाल है आपके? ठीक हो आप? बढ़िया सब गुड। हैप्पी बर्थडे विकास भाई। विकास भाई क्या हाल है आपके? ठीक हो? हैप्पी बर्थडे संजू भाई। भैया भैया संजू भैया, संजू भैया क्या हाल है आपके? अच्छा संजू भाई की इस टाइम गेम चल रही है। और संजू भाई बढ़िया भाई, यहाँ पर देखिए पूरा एक बना हुआ प्लान। लास्ट टाइम हमने दिवाली खेली थी यहाँ पर, ये यहाँ नीचे बनाई थी, मतलब जो बम पटाखे थे वहाँ पर भी कुछ बना हुआ, वो अलग बात है। तो क्रिश भाई बड़ों की महफिल में छोटों का क्या काम? विकास भाई को बताऊंगा। यहाँ आ चुके हैं हमारे रितेश भाई। रितेश भाई क्या हाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया। बड़े तेज आते हो यार आप, राइडर हो फिर? बोले इसके पापा को भी फोन कर रहे हैं, है ना? हाँ इसकी भी लगी है कंप्लेंट, पता सेम ही क्रिश घर से बड़ी हंसता गया ना मेरे घर के बाहर। अच्छा तभी कंप्लेंट लगी है भाई। यहाँ चिकन बना भी नहीं और प्लेट लेके सब खड़े हो गए। क्रिश भाई एक प्लेट हमें भी दे दो यार, क्रिश भाई एक प्लेट दो ना। आप साइड ही रहो भाई। लगी 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 है लगी है। तो भाई हमने खा भी लिया, अब हम चल रहे हैं घर। ठीक है रितेश भाई, ओके। तो वो गैंगस्टर पूरे बैठ चुके हैं स्कॉर्पियो में, हम निकलते हैं अपनी दन्नों में। जो छोटी सी ये देखा कैसे बॉटल बाहर फेंकी उन्होंने, कौन था ये, कौन था ये, कौन था ये? ठीक है विकास भाई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब हम भी निकलते हैं इसमें। सो गाइस संजू वगैरह जो है वो चलेंगे अपने घर, संजू और रितेश। अब हम भी चल रहे हैं घर, धूप चली गई है, अब फिर जो है धूप छुप चुकी है और अब फिर ठंड हो चुकी है। सुबह धूप थी ना, अब धूप भी छुप चुकी है, और पीछे क्रिश अर्जुन और विकास ये तीनों आ रहे कार में, हम चल रहे हैं स्कूटी में। तो चलते हैं घर, करते हैं रेस्ट आराम से और ब्लॉग एडिट करते हैं, फिर आप देखना मज़े से। एंड में हमारे साथ आ चुके हैं अर्जुन भैया, इनको उन्होंने गाड़ी से बाहर निकाले, क्यों निकाला भाई? मैं खुद आया हूं और सिटी जाना था, अर्जुन भैया कहते मेरे को घर जाना, आज लिफ्ट ले ले। सुना आपने? अभी आए हम अपने घर के साथ ही, यहाँ पर हमारी स्कूटी हो गई थी ख़राब, इसकी लाइट ख़राब हो गई थी, मैंने एक बार शायद व्लॉग में बताया था, नहीं बताया था। अभी यहाँ पर वो ठीक करवाने आए थे, जिसकी पेमेंट हमारे अर्जुन भैया कर रहे हैं। ठीक है भैया करो, अब हम चलते हैं। पेमेंट पैसा बहुत है ना अर्जुन भैया के पास यार। तो अब चलते हैं हम ऊपर, आराम से रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। आने दो आने दो आने दो आने दो, शाबाश, जाने दो अंदर जाने दो, गुड गुड शाबाश। तो भाई अभी यहाँ पर पड़ा हुआ ये पत्थर, और अर्जुन ने अभी मेरे को चैलेंज दिया था कि इसकी हवा निकल, मतलब इसको ऊपर उठा तो तेरे को मैं पैसे दूंगा, और मैंने उठा लिया, लेकिन इसे पैसे को नहीं दिए। तो भाई आप मुझे बताइए आपने गेट के बाहर क्यों रखा हुआ ये पत्थर? मैंने ऐसे रखा हुआ, आए तो देखे, ट्राई कर सकता खुद है ना थोड़ा। हाँ आपने कब करना है? अभी लगेगा इसको, टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे। तो भाई जिसको नहीं पता, तो ये 142 है या 48 है? 42 142 केजी का है। देखो कितनी छोटी सी चीज़ 142 केजी की, छोटी नहीं है भाई, बहुत बड़ी है। उठा जो जो कभी आएगा ना इधर, तो उठा के खुद चेक कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं लगता कि इतना वेट नहीं है, है ना? सही बात है। चलो ये कौन सा डिज़ाइन है भाई? भाई ये अल्फा मेल है। सो गाइस आ गए थे हम घर, और अभी फिलहाल सभी रेस्ट करेंगे क्योंकि आज बाहर बहुत ठंडा, तो मैं यहाँ बना रहा था चाय जो मैं और अर्जुन पियेंगे, बाकी एक्स्ट्रा बना दूंगा, जिसने पीनी होगी वो गर्म करके पी लेगा,
तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, होप करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अमेजिंग से ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी सोए हुए हैं, तो बस ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय।